एक है सुनी सुनाई बात, लेकिन इल्मुल यकीन और हक़ुल यकीन की बुनियाद पर मैं बात करता हूँ। जब मैं खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंस मिनिस्टर था तो 2003 और 4 के बजट में वर्ल्ड बैंक ने हमें 5 अरब रुपया दिए थे, उसको हमने बजट का हिस्सा बनाया। 5-6 महीने गुजर गए, वो पैसे जब नहीं मिला तो यहाँ कंट्री डायरेक्टर था वर्ल्ड बैंक का, जानवाल उसका नाम था, वो पेशावर आए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से उनसे मिला, मैंने कहा जानवाल वो जो किस देना था उसकी वजह से हमारे सारे तरक्याती काम रुक गए हैं। उन्होंने हंस पड़े और कहा कि जो तुमने पेशावर में ख्वातीन के वो बिलबोर्ड उनकी तस्वीरों पर जो मबनी थी उसको तोड़ा है, तो क्या इसके बावजूद भी आप हमसे पैसा लेना चाहते हैं? मैंने कहा कि जानवाल हमारे बिलबोर्डों पर ख्वातीन की तस्वीर का और वर्ल्ड बैंक के कर्जे का क्या ताल्लुक है, इसका आपस में क्या रिश्ता है? वो हंस पड़े, उनने कहा कि कर्ज लेना है तो कल्चर भी लेना है, खारजा पॉलिसी भी, दाखिला पॉलिसी भी और तालीमी पॉलिसी भी। ये कैसे हो सकता है कि पैसा हमारा हो और नजरिया और कल्चर और तहजीब और अकीदा आपका चले? नहीं, इन दोनों में से एक का इंतखाब करना है। मुझे यकीन हो गया कि जो कर्जे मिलते हैं ये कौमों को उठाने के लिए नहीं, कौमों को गुलाम बनाने के लिए मिलते हैं।